नमस्कार भारत, पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और जरा इस नजरिए से भी देखें कि मोदी सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आज मेरे खास मेहमान है पुष्पेंद्र शर्मा जी, स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार मनविंदर जी, आज के दिन तो ये बातें करनी बहुत जरूरी थी। थैंक यू, यू कॉल्ड मी। पुष्पेंद्र जी जर्नलिस्ट होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और अब देखिए अचानक से मोदी के सामने एक नया चैलेंज आ गया है और बंगाल में जीतने वाली पार्टी जो है 200 सीटें प्लस, ये जो एक ट्रेंड है उसने अपना बरकरार रखा, क्यों पुष्पेंद्र जी? सबसे बड़ी बात है ना ये? बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन और देखिए जी कोई भी राह आसान नहीं होती। जी अगर हम एक तरफ ममता को उनके साहसिक प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे तो जी, कम बीजेपी ने भी नहीं किया है। उन्होंने स्टेज में उस स्टेट में इतने पैर जमाए हैं, इतनी मेहनत करी है। जरूरी नहीं कि आपके सारे प्रयास सफल हो जाएं, लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत करी और बाकी राज्य इसकी गवाही दे रहे हैं कि अभी मोदी का जादू भी कम नहीं हुआ है, अगर हम पश्चिमी बंगाल को छोड़ दें तो। जी 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 और वैसे बहुत अच्छा जो है शो नहीं रहा क्योंकि कोरोना के कारण देश भर में मोदी सरकार की बड़ी आलोचना भी हो रही है, यहाँ तक कि भाजपा के जो सपोर्टर हैं वो भी पार्टी के जो नेतृत्व से काफी नाराज हैं। इसी बीच अब ये जो हार का मामला आ गया है, इससे यूं समझ लीजिए कि कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है जैसे। और दूसरी जगह पे जो उनका प्रदर्शन है ठीक ठाक है, मतलब कह सकते हैं कि पार्टी वेंटिलेटर पे नहीं है, स्थिति थोड़ी ठीक है। तो कोरोना की ये जो सुनामी है इसके बीच लग रहा है कि मोदी की लहर ठहर गई है, आप क्या कहते हैं इन नतीजों पर? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, कोरोना काल चल रहा है और उसमें आपने जो अपनी वोकैबुलरी में अपनी शब्दावली में यहाँ पे पॉजिटिव शब्द जोड़ा, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ये आपके सोच को बताता है कि आप पूरी तरह से सक्रिय हैं और बौद्धिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इन चुनावों से सामने आई वो ये थी कि राजा काहे के लिए होता है जी? राजा किस लिए होता है? जनता के हित के लिए होता है जी, जी। या राजा इसके लिए होता है कि वो सबको खतरे की आग में झोंक दे? इस बार जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा, कोई भी हारे कोई भी जीते जी। लेकिन कम से कम इतना त्याग या इतना इंतजार तो मोदी और शाह की टीम या सारे ही दल कर सकते थे कि इन चुनावों को टाल दिया जाता जब कोरोना इतना विकराल रूप ले रहा था। ऐसे में जब बड़े नेता हमारे आइकॉन होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, जब उनकी रैलियां बड़ी बड़ी लोगों ने देखी, वो बिना मास्क के थे, तो क्या जो बाकी देश था या और जगह पर क्या लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई मास्क पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वहां पे कोरोना नहीं है तो हमें कैसे कोरोना हो जाएगा? और ये मैसेज साफ जा रहा था। तो इस चुनाव में कोई हारे कोई जीते, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि किसी भी नेता ने ऐसी कोशिशें नहीं की कि वो जनता को एक सही स्वस्थ और सार्थक संदेश दे सके। बाद में जाके, बिल्कुल अंत में जाके राहुल गांधी ने ये प्रयास किया और उन्होंने घोषणा की कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी पूरी भूमिका नगण्य सी थी, इसलिए उसे कोई मायने नहीं मिल पाए। जहां तक बात मोदी शाह और चुनाव आयोग की है, इस बात के लिए उन्हें हमेशा इतिहास में दोषी माना जाएगा। चुनाव आयोग पर भी लोग देख रहे हैं कि क्यों 8 चरण में चुनाव कराए गए। उसके बाद जब ये मांग की गई पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, सबने ये मांग की कि कम से कम बाकी प्रक्रिया जल्द से जल्द कर दी जाए और इनको मर्ज कर लिया जाए, तो चुनाव आयोग भी पहली बार ऐसे दायरे में आया है कि जिससे उसका दामन साफ नहीं है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में सारे दांव पे चले गए, इसमें उतार चढ़ाव भी बहुत सारे आए बंगाल के चुनाव में, लेकिन बीजेपी ने जो इस चुनाव में परिणाम देखा है या जो स्वाद चखा है हार का, ये बावजूद इसके कि उनके 30 मंत्री सारे लोग वहां मौजूद रहे और उन्होंने खुद इस चुनाव की तैयारियां अब से नहीं कई साल पहले से कर दी थी। कैलाश विजयवर्गीय वहां पे कई साल से मौजूद थे, और भी लोग थे,
पूरी उन्होंने तोड़फोड़ करी ममता की पार्टी में। सुबह लोग ममता के दल में दिखाई देते थे और शाम को वो अभी एक पत्रकार कह रहे थे कि कमल सरोवर में डुबकी लगाते हुए दिखते थे। ये पाठक जी थे मध्य प्रदेश के, जो बहुत ये सही बात बात कह रहे थे। कही आपने जी। हाँ, ऐसा हो जाता था। तो ऐसे में ये परिणाम कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर तो विवश करेगा ही, और जो एक जीत का अश्व, जो इनका अश्वमेध घोड़ा सब जगह जा रहा था, वो अगर जाके रुका तो बंगाल में रुका। इसके लिए ममता बनर्जी के दृढ़ निश्चय, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी हिम्मत को दाद देनी ही पड़ेगी। अब इस चुनाव से कुछ और चीजें भी जो है सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है सरकार को भी, और कहना चाहिए कि हमारे जैसे लोगों को भी। अभी देखिए, अगले साल ही यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, और जैसे हम पिछले मार्च में कह रहे थे कि अब हम ठीक हो जाएंगे, अगले मार्च तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो गॉड नोज अगले मार्च तक क्या होगा। और अगले मार्च में चुनाव यूपी में ड्यू है, और आप अच्छे से जानते हैं, आपने उन चुनावों को ठीक से कंडक्ट कराया था। भाजपा ने 2017 में 312 सीटें जीती थी, और 2014 में, उस समय आपकी टीम में मैं भी आपके साथ शामिल थी, 2019 में आम चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में यूपी का बड़ा योगदान रहा था, और 2014 में एनडीए यूपी में 80 में से 73 सीटें जीती थी। और अब आप बताइए कि कैसा सीन रहेगा आने वाले दिनों में। देखिए बनविंदर जी, पहले एक बार उसकी बात करते हैं जो अभी हुआ है, इसके बाद हम यूपी की भी चर्चा करेंगे। देखिए, अमित शाह हर एक चरण के बाद, जिन्हें आज के युग में चाणक्य तक की संज्ञा मिलने लगी है, हर चरण के बाद कहते थे हम इतनी सीट जीत जाएंगे, हम इतनी सीट जीत जाएंगे हैं। और 2 मई पहले उन्होंने नारा दिया कि बीजेपी हाफ और बाद में ममता साफ। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें थी, ये ना बहुत अहंकार वाला प्रदर्शन था। और माफी चाहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से वहां पे भाषा का इस्तेमाल किया और जो संस्कार प्रदर्शित किए, वो एक इतने गरिमा वाले पद पे उनको शायद शोभा नहीं देते थे जो उन्होंने किया। जी। इस बीच बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए गए, जैसे उनके दल के लोगों को तोड़ा गया, वहां पे ईडी ने कार्रवाई करी, किस किस तरह से दबाव डाले गए, ये बातें बात की हैं। लेकिन ये भी लगने लगा था जैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष ना होके कहीं एक पक्ष की तरफ तो नहीं चला गया। फिर जो प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, जिन्होंने सबका साथ दिया है, उनका एक ऐसा ऑडियो वायरल किया गया जो आधा अधूरा था। जब आप किसी से बात करते हैं, अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो आप पहले उसे उसकी कमजोरियां ही गिनाते हैं, तो वो कमजोरियों वाला पार्ट रिलीज कर दिया गया और जो बात की बातें थी वो रह गई। आज अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर के लिए सब मजाक उड़ाने लगे थे, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये जी पीके को आप देखिए कि उन्होंने दावा किया था कि अगर 3 में गिनती में जाती है भाजपा तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। सबने मजाक उड़ाया, चैनलों पे भी किया, आज भी जो चर्चाएं हो रही थी, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसमें इतना आत्मविश्वास कैसे था, उसको इतना भरोसा कैसे था, क्योंकि वो शायद बंगाल की जमीन पर ज्यादा काम कर रहे थे बजाय बीजेपी के उन लोगों के जो आके फीडबैक दे रहे थे शायद अमित शाह और मोदी जी को, जो सब हरा ही हरा शायद बता रहे थे, कठिनाइयां नहीं बता रहे थे। इसी संदर्भ को लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ यूपी की तरफ। जी। जो आप भी खबरों में रहती हैं, मैं भी खबरों में रहता हूँ, आप ये देखिए कि रोजाना कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, और इधर सारे विधायक मिलके जो फीडबैक देते हैं मुख्यमंत्री को, वो कोई और ही तस्वीर बयां करता है। सांसद कुछ कहते हैं और विधायक कड़वी हकीकत को सामने लाते हैं। जो विधायकों की मौत हुई, उनके परिजनों ने भी व्यवस्था पे, सिस्टम पे और संसाधनों पे सवाल उठाए। तो ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को या इनकी टीम को या अभी भी मोदी जी को और अमित शाह जी को ये बताया जा रहा हो कि यूपी एक आसान सी जगह है और यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और पुराना प्रदर्शन वो आसानी से दोहरा लेंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि बंगाल के बाद अब उनका फोकस इधर यूपी पे आ ही जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय चुनाव में नहीं है। लेकिन अगर इनका फीडबैक ठीक नहीं रहा और ये जो कहते हैं कि हमें पन्ना प्रमुख रिपोर्ट दे रहे थे, हम जीत रहे थे, इसी तरह से अगर यहाँ पे इन्होंने सही फीडबैक नहीं लिया, सरकारी मशीनरी या सरकारी अधिकारियों के भरोसे अपनी जीत को इन्होंने मान लिया, तो ऐसा ना हो कि चुनाव आने वाले चुनाव में
ये धोखा खा जाए। यही मैं यूपी के बारे में कहना चाहता हूँ। सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, यूपी पे, यूपी को लेकर के सब कुछ भाजपा का दाव पे लगा हुआ है इस समय। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इतना बड़ा राज्य है, यहीं से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुलता है, केंद्र की सरकार बनने का रास्ता खुलता है। तो अगर बीजेपी यहाँ पर कहीं जाके कमजोर पड़ने लगेगी तो आगे उसे एक खतरे की घंटी बजने लगेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि सही तस्वीर, जमीनी हकीकत का सामना बीजेपी नेता करें और सही जानकारी लें। ये अधिकारी या जो चापलूस सिर्फ उनको हरा हरा दिखा रहे हैं, उनसे उन्हें दूर रहना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर जैसे जो लोग अगर कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को तवज्जो देनी होगी। रणनीति के रूप में आप भले ही स्वीकार ना करें, पर दिल से उन्हें स्वीकार कर लें। और ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें आज भी समय है कि व्यवस्थाओं को सुधारें, ताकि लोगों के दर्द कुछ कम हो सके, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएं, तब शायद यूपी में हालात ठीक हो पाएंगे बीजेपी के लिए। जी जी, और उत्तराखंड में भी कोरोना काफी विकराल रूप में है, और मोदी और भाजपा के लिए वो स्टेट भी काफी चुनौती के रूप में रहेगा। आपका क्या कहना है? देखिए, आपकी सोच बिल्कुल सही है, और आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, ये सवाल आज शायद सारे पत्रकारों के या सारे राजनीतिक चिंतकों के मन में भी आ रहे होंगे। अगर हम देखें, छोटा राज्य है लेकिन महत्वपूर्ण राज्य है। वहां की भी ये परंपरा रही है कि एक बार तू और एक बार मैं, वहां पे सरकारें बदलती रही हैं। लेकिन जो कांग्रेस की संस्कृति थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी में भी वही संस्कृति आ गई है। वहां भी नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा, मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है, जो दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा है उसके कुछ बयान और कुछ टिप्पणियां ऐसी आई जो चर्चा का विषय बनी। दरार है और लोगों के बीच में मन मुटाव है, तो जब घर में फूट पड़ने लगती है तो जीत दूर होती चली जाती है। एक बात और आपको नहीं भूलनी चाहिए, मुझे भी नहीं भूलनी चाहिए कि कुंभ वहीं पर लगा। अगर हम शुरुआत के दौर में तबलीगी जमात को इसके लिए दोषी ठहराते हैं, उन्हें कातिल कहते हैं, तो इतना बड़ा कुंभ आयोजन करने की क्या जरूरत थी? जिसे बाद में प्रतीकात्मक किया गया, वो पहले से भी प्रतीकात्मक हो सकता था। और जहां तक मेरी जानकारी है, आसपास के क्षेत्रों में मुझे पता चल रहा है कि जो जो लोग कुंभ से गए थे, वो सब ज्यादा से ज्यादातर लोग संक्रमित हो गए हैं। बहुत से संत भी हमारे जो है काल के गाल में समा गए हैं। तो ये ऐसी गलतियां हैं जिनका शायद अभी लगे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, पर जिनके घर से कोई गए जाता है या जिसे नुकसान होता है, जिसका परिवार जाते हैं, कोई जाता है, तो उनको ये दर्द तब भी याद रहेगा जब चुनाव होंगे। जी जी, फाइनली पंजाब को जो फतेह करना है वो भी काफी मुश्किल रहेगा। आप सही कह रही हैं, पंजाब में भी स्थिति अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रही। वहां पे आप देखिए, आप जैसी पार्टी के जो सांसद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बाहर निकल के आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस गए। जैसे किसान आंदोलन को लेके आपको वहां की बात करनी ही पड़ेगी जी। किसान आंदोलन सफल होता है, असफल होता है, मैं नहीं जानता ना, शायद मैं उसके बारे में कोई भविष्यवाणी भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जितनी बड़ी जन भागीदारी उसमें हुई, वो पंजाब के लोग, क्या वो चुनाव में आपको लगता है या कोई कह सकता है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे? जिनके परिवारों के लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिनके बुजुर्ग, जिनकी महिलाएं धूप में, सर्दी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, भूख प्यास को तरसे हैं, क्या वो बीजेपी के समर्थक बन जाएंगे? तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले दिन उत्तराखंड, यूपी, पंजाब सब में खतरे की घंटी बज रही है। और यूपी और ये उत्तर भारत के तीन राज्य ऐसे हैं जो एक संदेश देते हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए। हमने दो पे राज्यों पे बात नहीं की, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और देखिए मध्य प्रदेश में भी बार बार ये कहा गया था, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, लेकिन सरकार वहां सीधे तरीके से पहली बार में नहीं बना पाए। बाद में जैसे वो सरकार बनी है, सबको मालूम है कहां से लोग आए थे, कौन कौन थे, तो
खतरे की घंटी तो उत्तर भारत में मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए बज रही है। अब ये अलग बात है कि उनके रणनीतिकार इन सब की क्षतिपूर्ति कैसे करते हैं, इन कामों की मरम्मत कैसे करते हैं, इनका कैडर कैसे काम करेगा, संघ कैसे रणनीति बनाएगा, और क्या ये अपनी गलतियों को मन से स्वीकार करेंगे। अगर अहंकार खत्म हो गया, गलतियों को मन से स्वीकार किया, तो क्षतिपूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। अगर अहंकार ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये लोगों से जुड़ पाएंगे, जमीनी हकीकत को जान पाएंगे, तब ये फिर से धोखा खा जाएंगे। एक और बात है, आपको लगता है कि भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा है जिन्हों यहाँ पे फिक्स कर सके? लाइक मैं पंजाब की बात करूं, देखिए मंदिर जी आप फिर सही कह रही हैं, देखना भी बहुत जरूरी है। देखिए आप बहुत सही बात आप कह रही हैं। वो क्या रहा है कि एक मैं ना तो प्रशांत किशोर हूं ना मैं अमित शाह हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि जो भी कुछ हुआ बंगाल में, लेकिन एक एक अजीब सी गट फीलिंग आती है कि अगर वहां पे इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती या सौरभ गांगुली को एसीएम फेस उसको डिक्लेयर कर दिया होता और उसे चुनाव भी लड़वाया होता, हो सकता है 8-10 सीटें या शायद और सीटों का फर्क पड़ता। तो जो आप बात कह रही हैं वो इतनी जरूरी बात है कि आपके पास पंजाब में कोई फेस नहीं है, आपके पास कोई ऐसा पॉपुलर लीडर उत्तराखंड में भी नहीं है कि जिसके नाम पे वोट मिले, यानी कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही सब जगह चुनाव लड़ेंगे। जब यूपी की भी बात करते हैं तो कोई एक सर्वमान्य चेहरा ऐसा नहीं है या था। अब क्योंकि योगी जी यहाँ पे इतने समय से कर रहे हैं तो डेफिनेटली यूपी में एक चेहरा कम से कम योगी जी का है, और उनकी अपनी निजी फॉलोइंग पहले भी थी, आज भी है, मठ की वजह से भी थी और हिंदू वाहिनी की वजह से भी थी, है ना। लेकिन फिर भी उनकी अगर हम तुलना किसी जनप्रिय नेता से करने लगे या और लोगों से करें तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उनको भी मोदी और शाह के सहारे के बिना नाव पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक थोड़ी सी मैं जानकारी और चाहूंगी, यूपी का आपने चूंकि जिक्र किया, योगी जी का जिक्र किया आपने, टाइम हो रहा है, चूंकि कोरोना काल में यूपी की स्थिति भी बड़ी खराब रही है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका क्या, वो सब चीजें मार्च तक लोगों को याद रहेंगी? अगले मार्च में चुनाव अगर होते हैं तो क्या सोचते हैं आप? देखिए मैंने आपसे पहले भी यही एग्जांपल दिए, नेता लोग तो ये मानते हैं कि जनता बहुत जल्द भूल जाती है सब कुछ जी। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर हम दूर की बात छोड़ देते हैं, मेरठ की बात करते हैं, सब लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द, लेकिन मैंने देखा है, निजी तौर पर भी देखा है, चाहे वो हिंदू परिवार रहा हो या मुस्लिम परिवार रहा हो, जिनके घरों के लोग उन दंगों में मारे गए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान रहे हो, उनसे सांप्रदायिक सद्भाव की अपेक्षा करना, उनसे सौहार्द कायम करना ऐसा नहीं है, अपवाद वहां भी हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सामान्य जनरल बात करते हैं तो जनरल बात में हिंदू परिवार तो आज तक उस जख्म को भूल नहीं पाते, उस नुकसान को भूल नहीं पाते। तो कोरोना में भी जो लोग खासतौर पर प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण या अस्पतालों में कुव्यवस्था के कारण या कुछ अस्पताल संचालकों के लालच के कारण, या जैसे अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव हुआ एकदम से और पता चला बेड भी नहीं मिल रहे हैं, इन बातों के कारण अगर किसी के घर से कोई परिजन गया होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि वो मार्च तक या अगली अप्रैल तक भी इस बात को जल्दी से भूल पाएगी जी। मुझे लगता है ये जख्म ऐसे हैं जो लंबे समय तक टीज देते रहते हैं, एक ही दिन में इनका भूल जाना बहुत मुश्किल है। और मैंने अभी आपको याद दिलाया था कि इवन इनके बहुत सारे विधायकों की भी कोरोना की वजह से मौत हुई, और आपको मालूम है कि विधायकों के परिजनों ने किस तरह के ट्वीट किए, किस तरह की टिप्पणियां की, और अभी मेरठ में हाल ही में एक तरफ सांसद जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, उसी समय पे उन्होंने योगी जी ने फीडबैक लिया विधायकों से, तो उन्होंने यहाँ की असलियत उनके सामने उजागर की, और मुझे खुशी है कि योगी जी ने गंभीरता से उनका फीडबैक लिया और उसके बाद
अधिकारियों को निर्देश दिए। योगी जी ने एक टीम 11 के बजाय टीम 9 बनाई। योगी जी से मुझे उम्मीद है कि वो करते रहते हैं, लेकिन हकीकत तब नुकसान तब होता है जब आप तक सच्चाई नहीं पहुंचती। तो अगर योगी जी इसी तरह से फीडबैक लेते रहेंगे और जब कोरोना थोड़ा सा सामान्य स्थिति आएगी और वो लोगों से मिलेंगे, सीधे जाके उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे, तो हो सकता है इसकी टीस कुछ कम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का वोट बरकरार रहे, अन्यथा मुझे लगता है कि मुश्किल पेश आने वाली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका मेरे चैनल पे चर्चा के लिए शामिल होने के लिए, और दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मनविंदर जी, आप ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे और जिस तरह से आज लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देखेंगे और फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।